टिकट देखते हो आप लोग? yes. कितने घंटे? तीन. टिकट लगती है? yes. आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति गोविंदा की हर फिल्म को देखता था, अभी गोविंदा की जगह? आपने कभी सुना है एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन जी की हर फिल्म 5 बार देखता था, अभी अमिताभ बच्चन जी की जगह? ना कोई पहुंचा है ना कोई पहुंचेगा. लेकिन ये दिनेश आज आपसे वादा करता है कि अगर मेरी हर बात आपने ध्यान से सुना और देखा, तो गोविंदा को सुनने के बाद गोविंदा तो नहीं बन पाए, अमिताभ बच्चन को सुनने के बाद अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए, लेकिन मेरी लास्ट तक हर बात को सुनने के बाद यहाँ पहुंचने का चांस है. मार्केटिंग खरीदारी करने का सही तरीका, तो बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा वो मेरी बात को सुने, जिनको बात भी सुनाई नहीं दे रही वो महसूस करें. लेकिन आप ध्यान इधर ही रखें, है ना. बहुत बड़ी चेंजिंग. एक चीज मैं आपको बता दूं, या बहुत सारे दोस्त हैं, आरसीएम करते करते आपको क्या मिलेगा ये नो मैटर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आरसीएम करते करते आप जिंदगी को जीना सीख जाओगे. एक्चुअल जिंदगी होती क्या है? तो जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं उसके पीछे दो ही कारण है, क्यों और तीसरा कुछ नहीं है. दो पर ये दुनिया टिकी हुई है, काम को क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. कैसे के लिए हमें पता है. अभी कोई आपसे कहे दीवार को तोड़ना है, कैसे तोड़नी चाहिए वो बता देगा. आप कहो गला खराब है, क्या कैसे किया जाए ठीक, वो कह देगा ये टेबलेट लो, ये सिरप लो. कैसे के लिए कोई भी बता सकता है, क्योंकि इंडिया में राय फ्री में मिलती है. लेकिन मेन कारण होता है भाई क्यों करना चाहिए. और जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक आदमी को क्यों का पता नहीं होता वो कभी भी बहुत बड़ी ऊंचाइयां नहीं पा सकता, क्योंकि जानकारी होनी जरूरी है. आज मेरे को पता है या गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में है, बहुत सारे बिजनेसमैन है, बहुत सारे बैकग्राउंड किसान परिवार से होंगे, सब आप जानते हो किसी भी काम को कैसे करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए ये सबको नहीं पता. नहीं पता तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी. जैसे किसी से पूछो सर्विस क्यों कर रहे हो, दुनिया कर रही है ना इसलिए मैं भी कर रहा हूं. आप क्यों कर रहे हो वाय. किसी से पूछो दुकान क्यों कर रहे हो, सब खोल रखी है ना इसलिए मैंने भी खोली. आपने क्यों खोली, क्यों का जानना बहुत जरूरी है. जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, एक ट्रेन 120 की रफ्तार से दौड़ रही हो, कोई आपको कहे इसके अंदर से कूद जाओ, कूद जाओगे? नो. नो? वो कहे 50,000 रुपए दूंगा? नो. नो? करोड़ों का मामला है, है ना, नहीं कूदेगा आदमी. वो कहे 1,00,000 ले लो? नो. नो. लेकिन वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद आपको कहे कि अब रुपए भी नहीं मिलेंगे, जिस डब्बे में बैठे हो आग लग, फिर क्या करोगे, कूद जाओगे. कारण पता लग गया ना क्यों कूदना है, क्यों का पता लगना जरूरी है. तो आज मैं आपको बताऊंगा ये आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों करना पड़ेगा और कैसे किया जाता है. दोनों चीजें पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा. लेकिन आज नए दोस्त हैं, मैं थोड़ा आपको अपना परिचय दे दूं ताकि आप मेरी हर बात से अपने आप को रिलेट कर सके. मेरा नाम दिनेश चौधरी, रतलाम एमपी, लगभग यहाँ से 2,000 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ. रहने वाला डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी. बैकग्राउंड एक किसान परिवार से हूँ. इस बिजनेस के पहले 95 से मैं रतलाम एमपी में हूँ. गवर्नमेंट का एक छोटा सा जॉब, 2,075 गवर्नमेंट मेरे को सैलरी दिया करती थी, उस जॉब को मैं करता था. 26 जुलाई 2002 को ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, आज के 1,250 साल पहले. मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बिजनेस मेरे को पहले ही दिन समझ में आ गया, क्योंकि लोगों के ये बिजनेस पहले दिन समझ में नहीं आता, समय लगता है उनको समझने. या बहुत सारे दोस्त हैं जिनको 2 साल पहले इस बिजनेस का पता लगा होगा, किसी को 1 साल पहले, किसी को 6 महीने पहले, लेकिन उन्होंने किया नहीं क्योंकि उनको समझ में नहीं आया. मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे को पहले ही दिन इस बिजनेस को समझा दिया, 26 जुलाई 2002 को. बैकग्राउंड एक किसान परिवार से हूं, 4 भाई, सबसे छोटा, 3 मेरे से बड़े. तो मेरे फादर का एक सपना था कि मेरे एक बच्चे को मैं बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाकर इसको बहुत अच्छा ऑफिसर बनाऊं, लेकिन मेरे 3 भाई ज्यादा नहीं पढ़ पाए. तो अल्टीमेटली मेरे फादर का लास्ट मेरे से एक सपना था कि मेरे इस बच्चे को मैं बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाकर इसको बहुत अच्छा ऑफिसर बनाऊंगा.
लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ, मैंने अपने पढ़ाई के करियर को शुरू किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ के बाद जब मैं टेंथ में पहुंचा तो मेरे फादर ने कहा, बेटा टेंथ की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा है, थोड़ी कठिन होती है, ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे से मेरे सारे सपने हैं। और ये टेंथ की परीक्षा है, बोर्ड की होती है, थोड़ी कठिन होती है, ध्यान रखना। दिया आप लोगों ने बोर्ड की परीक्षा? Yes! थोड़ी कठिन होती है ना? Yes! पता है आपको कठिन क्यों होती है? उसमें पेपर आउट नहीं होता ना, ये वो इसलिए थोड़ी कठिन होती है। जब मैंने उस परीक्षा को दिया, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें अपना नंबर नहीं है। दूसरी बार मैंने फिर टेंथ की परीक्षा को दिया, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें भी अपना नंबर नहीं है। मेरे फादर ने मेरे को बुलाकर कहा, बेटा ये बोर्ड की परीक्षा तीन ही बार रेगुलर दी जाती है, इसके बाद कॉलेज बाहर निकाल देता है, और तुम्हारे से मेरे सारे सपने जुड़े हुए हैं। मैंने कहा यस, इस बार हो जाएगा। तीसरी बार मेहनत की, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें भी अपना नंबर नहीं है। मेरे फादर ने मेरे को पास में बुलाया और मेरे सर पे हाथ रख के बोलते, धन्य हो बेटा, तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरे को कहा गया खेती करो। जब मैंने खेती की बात सुनी तो खेती मेहनत मांगती है, और आप मेरी सेहत को देख के ये अंदाज लगा सकते हैं कि मैं मेहनत भी कितनी कर सकता था, वो ऑप्शन भी अपने पास नहीं था। तो मैंने मेरी मदर को रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक बार प्राइवेट का चांस दो, मैं एक बार चौथी बार और टेंथ की परीक्षा प्राइवेट देना चाहता हूं, और इस बार मैं वादा करता हूं इस डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला नंबर होगा, क्योंकि तीन साल का अनुभव अपने साथ है। तो जब मैंने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उस चौथी बार मेरे को परीक्षा दी गई, देने का मौका मिला, दिन रात मेहनत की, मेहनत रंग भी लाई, दो विषय में रह गए, फिर मैटर क्लोज हो गया। यूपी की गवर्नमेंट को मार्कशीट दिखाई तो यूपी की गवर्नमेंट ने मेरे को कहा, तुम सर्विस के लायक नहीं हो। मैंने कहा क्यों? बोले दसवीं फेल वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और तुम्हारे लिए तो इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने रिकॉर्ड तोड़ा है, तुम्हारा तो भारत में भी कुछ नहीं हो सकता। बस दिमाग के अंदर एक ही बात घूमती रहती थी, क्या होगा, जो फादर के सपने थे बस यही दिमाग में घूमता रहता था। ये जॉब मिला, जॉब को देखने के बाद लगा कुछ नहीं हो सकता। दोस्त मेरा एक ही सपना था, मैं आपको बताऊं, आज आप किसी गली से निकलते हो, क्या बोलते हैं लोग, ये उनका लड़का जा रहा है, यस, ये उनका बेटा जा रहा है। लेकिन मेरा एक ही सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा इस दुनिया में कि जब मेरे पिताजी किसी गली से निकले तो ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये उनका लड़का जा रहा है, ये कहा जाना चाहिए ये उनके पिताजी जा रहे हैं। और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, मेरे को पूरा क्लियर हो गया पहले दिन के इसमें वो सब कुछ मिल सकता है। एजुकेशन की बात मैंने आपको इसलिए की क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिमाग में बात फिट है। आप देखते हो डॉक्टर साहब बोले कामयाब हो गए, इनकी एजुकेशन ज्यादा थी। स्वर्गीय सतीश पंडित साहब कामयाब हो गए, उनकी एजुकेशन ज्यादा थी। जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, एजुकेशन का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन एक अलग पार्ट है, सफलता एक अलग पार्ट है। सफलता के लिए एजुकेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको प्रूफ देता हूं, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो कम एजुकेशन वाले हैं। वो धीरूभाई अंबानी हो, बिल गेट्स हो, टाटा हो, बिरला हो, मोदी हो। सफलता के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए जो मैं आज आपको बता रहा हूं। जिनको पता है वो नहीं बताए, मैं बाकी दोस्तों से पूछ रहा हूं। गर्मी होती है ना, गर्मी, गर्मी जून में ज्यादा होती है या ऊन में? आप थोड़े कंफ्यूज हो गए ना। नहीं, जिनको पता है, मैंने अभी आप सुनते, डॉक्टर साहब ने कहा है सुनते कम हो आप। मैंने कहा था जिनको पता है वो नहीं बताए, मैं नए दोस्तों से पूछ रहा हूं। गर्मी जून में ज्यादा है या ऊन में? ऊन में। ये भी कहा जा सकता है गर्मी गर्मियों में जून में ज्यादा होती है, सर्दियों में ऊन में ज्यादा होती है, या ये भी कहा जा सकता है दोनों में होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनका एक ही स्टेटमेंट है, गर्मी ना जून में है, गर्मी ना ऊन में है, गर्मी जनून में होती है। मैं आपको बताऊंगा ये
ये लेवल मेरे को मिला, मेरे अंदर पहले दिन से जुनून था इस बिजनेस को लेके, इसीलिए मैंने बहुत कम समय में अचीवमेंट को प्राप्त किया और उससे कम समय में आप कर सकते हो। लेकिन इस चीज को जानना है वाई, क्यों और कैसे। कैसे के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी बता सकता है, किसी से पूछो बिजनेस कैसे किया जाता है, वो बता देगा ऐसे ऐसे। वाई, क्यों हम दिन रात दौड़ रहे हैं? Yes. अपनी जिंदगी में दिन रात भागते हैं? Yes. अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, किसके लिए? क्या चाहिए बदले में आपको? पैसा? Yes. पैसा सब कुछ तो नहीं है, नो नो, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें आज पैसे के बगैर कुछ नहीं है। भाई भाई से क्यों लड़ रहा है? बच्चे माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? कुछ समय पहले धीरूभाई अंबानी के लड़के लड़ रहे थे पैसा। मैं आपको एक शायर की बात बता रहा हूं, एक इंटरनेशनल शायर ने अपने शायरी के अंदर लिखा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम ये खुदा से कम भी नहीं है। पैसे के ऊपर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, 1000 लोग किसी अर्थी को लेके जा रहे थे। अर्थी यू नो बिल्कुल सिंपल थी, 1000 लोग उसके पीछे थे। जो भी देखता था वो ये समझता था कोई महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उसके मान सम्मान में ये सारे लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन उस अर्थी के अंदर एक कुत्ता चल रहा था अर्थी के आगे, उसको हार फूल माला पहना रखी थी। जो भी उस कुत्ते को देखता था तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि इस अर्थी में इस कुत्ते का क्या काम, और कुत्ते को हार पहना रखे। जो भी देखता समझ नहीं पाया। एक सज्जन थे, उनको रहा नहीं गया, दुकान से उठ के आए, अर्थी को जो कंधा दे के चल रहा था उसको पूछा, भैया अर्थी पर कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी है। कुत्ता किसका है? बोले कुत्ता मेरा है। बोले तुमने कुत्ते को हार क्यों पहनाए? बोले मेरी पत्नी इसी के काटने से मरी है। तो उसका दिमाग खराब हो गया, बोले पत्नी को कुत्ते ने काट लिया, पत्नी मर गई और तुमने कुत्ते को हार पहना दिए। उसने कहा मेरी बात सुन। 4 साल का था, स्कूल जाने लगा, 16 साल तक एजुकेशन ली, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की, मेरे माता पिता ने लाखों रुपया खर्च किया। 20 साल की एज में जब मैं गवर्नमेंट के पास गया, उन्होंने कहा तुम सर्विस के लायक नहीं हो। मैं बड़ा परेशान था, रोज काम के लिए निकलता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। 2 साल बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी घर से एक प्रोडक्ट की लिस्ट देती थी कि इसको बाजार से लाना है। अब जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं ला नहीं पाता था, तो मेरी पत्नी रोज शाम को मेरे से लड़ती थी कि आपने शादी क्यों की जब आप मेरे को खिला नहीं सकते। मैं बड़ा तंग आ गया, मेरी जिंदगी में रोज लड़ाई। मैं चाहता था किसी भी तरह ये छुटकारा मिले, ये शुभ काम मेरे इस कुत्ते ने किया। तो वो जो सज्जन आए थे वो कुत्ते के मालिक को बोलते हैं, क्या ये कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिलेगा? क्यों मांग रहे थे? वो भी परेशान थे। ये बात अलग है, कम थे या बाकी थे। तो कुत्ते का मालिक उनको बोलता है लाइन में लग जाओ, ये 1000 भी इसीलिए आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको लेके कहीं ना कहीं आदमी की जिंदगी में चैलेंज तो है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा है इसीलिए हम यहां आए हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है पैसे को लेके। जब बात आती है पैसे की, कहां से आएगा पैसा? पैसे आने के 2 रास्ते हैं, पहला सर्विस, सेकंड बिजनेस, तीसरा नहीं है, है तो गलत है, उसको करना नहीं चाहिए। उसके बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, वो अनलीगल है। लीगल 2 ही रास्ते हैं, सर्विस करो या। आपने सुना है जिस देश में हम रह रहे हैं, ये देश 60 साल पहले आजाद हुआ, और उस समय आपने सुना होगा कि भारत के अंदर 80% लोग गरीब थे और 20% लोग अमीर थे। आज भी क्या है सेम? आपने कभी इस रेशो में चेंज सुना 60 साल के अंदर? ये 10 साल पहले भी 80-20 था, 20 साल पहले भी 80-20 था, 40 साल पहले भी 80-20 था, 60 साल पहले भी 80-20 था। वाई, क्यों? अगर चेंज हुआ तो केवल इतना हुआ, गरीब गरीब से गरीब होता चला गया, अमीर अमीर से अमीर होता चला गया। इसका कारण पता है क्या है? इसका एक ही कारण है कि भारत का आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। हमारे यहां शुरू से गाना गाते हुए आ रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, दादाजी गाते गाते चले गए।
फिर हमारे पिताजी ने गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो भी चले गए, अभी हम गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब चले जाएंगे, बाद में बच्चे गाएंगे हमारे, हम होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा वो दिन मेरे को बताओ, कब आएगा वो दिन? डिसाइड हो गया कि इधर पंजाब में नो, कभी नहीं आएगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। और जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, परिवर्तन इस संसार का नियम है, हर चीज समय के साथ बदलती है। जो आदमी समय के साथ बदल जाता है वो जीत जाता है, और जो आदमी समय के साथ नहीं बदलता वो हार जाता है। जिस बिजनेस की आज हम आपसे बात करने आए हैं, 55 साल पहले ये बिजनेस इस दुनिया में था ही नहीं, क्योंकि उस समय परिवर्तन इस बिजनेस का नहीं था। जब चेंजिंग हुई, पता लगा कि इसकी आवश्यकता है, जिसने समझा आज वो नंबर वन है। आप इतिहास उठाओ अमेरिका का, भारत गुलाम था, उसके पहले अमेरिका भी ब्रिटेन का था, लेकिन आज अमेरिका इस दुनिया का नंबर वन देश है। क्यों? क्योंकि 55 साल पहले वो इस बिजनेस को समझ गया। और आज जो नए दोस्त हैं, जो सीनियर है, एक चीज मैं आज आपको बता दूं, फाइनल डायरी में लिख लेना, साइन मेरे से करा लेना, 2010 में इस बिजनेस को करना इच्छा नहीं, मजबूरी बनेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आज आएगा वो यहां होगा, कल आएगा वो यहां होगा, परसों आएगा वो यहां होगा, बरसों बाद आएगा वो वहां होगा। आना सबको है, ये आपको डिसाइड करना है कि कब आना है, ये आपकी चॉइस है, आना पड़ेगा, ये फैक्ट है। आज 80% लोग किसको पसंद करते हैं? सर्विस, और 20 बिजनेस। क्यों? बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और 80% लोगों के पास पैसा नहीं है। आपको एक चीज मैं बताऊं, आपने सबने सुना होगा 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म हुआ। अगर आज सबसे सुंदर चीज इस दुनिया में है जिसको भगवान सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो इंसान है, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और पता है इसको क्यों बनाया था? आपको पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है, हमेशा रोते हुए पैदा होता है, रिश्तेदार हंसते हैं, माँ बाप हंसते हैं, घर वाले हंसते हैं, उस समय वो बच्चा उस भगवान को पूछता है कि मेरे साथ ये कैसी विडंबना है, मैं रो रहा हूं और ये सब हंस रहे। उस समय भगवान उसको बोलता है, बेटा अभी तो तू रो रहा है, लेकिन मैंने तेरे को जिस दुनिया में भेजा है, आज के बाद तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, जिस चीज को हाथ लगाएगा वो तेरी होगी, जिसको पाना चाहेगा उसको तू पा सकता है, और आज के बाद इस दुनिया में मालिक बनकर राज करना, क्योंकि मैंने तेरे को दिमाग दिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, 80% लोग सर्वेंट बन गए। सर्विस अच्छा शब्द है, सर्वेंट अच्छा शब्द नहीं है। नौकरी अच्छा शब्द है, नौकर अच्छा शब्द नहीं है। मैंने प्राइवेट भी किया है, गवर्नमेंट भी किया है, सर्विस में आज तक कोई अमीर नहीं बना। मेरे को बताओ, ये जीवन स्वतंत्रता के लिए मिला है ना? जब चाहो जब जो करो। मेरे को ईमानदारी से बताओ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये व्यक्ति जब उठता है, जब ये उठना नहीं चाहता, जब सोता है, जब इसको नींद नहीं आती, जब इसको भोजन मिलता है, जब इसकी भूख खत्म हो जाती है। अभी सर्दियों में मेरे को बताओ कितनी बजे उठने की इच्छा होती है? सुबह 10 बजे, 6 बजे उठना पड़ता है, ऑफिस जाना है, रात को 9 बजे नींद आ रही है, बॉस कह रहा है 11 बजे तक काम फाइनल चाहिए, नींद 9 बजे आ रही है, सोने को मिल रहा है 11 बजे, भूख लग रही है 1 बजे, बॉस कह रहा है 4 बजे तक काम फाइनल चाहिए, भूख 1 बजे लगी, भोजन 4 बजे मिला, क्या मतलब है इस जिंदगी को जीने का? मैं ये नहीं कह रहा आप अपने काम को छोड़ दो, ऑप्शन नहीं था अभी तक, अब है, समझो आप इस चीज को दोस्त, इसलिए ये जिंदगी नहीं मिलती। आप मेरे को बताओ, ये व्यक्ति आपने कभी अपनी जिंदगी में खुश होते हुए देखा इसको? ये केवल सैटरडे की शाम को खुश होते हैं। पता है क्यों? अगले दिन संडे है, संडे की शाम को इनकी सारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि अगले दिन मंडे है, ये तो इनके फेस से पता लगता है। लेकिन मालिक बनने के लिए आए थे, और अमीर बनने के लिए, तो किस में बना जाता है? तो करो ना फिर बिजनेस, कर सकते हो ये बिजनेस, पैसा चाहिए लगाने के लिए। आपको पता है बिजनेस आसानी से कोई होते हैं भारत में, पैसा लगा के ही पैसा आ सकता है। या आपने कोई बिजनेस ऐसा सुना कि पैसा नहीं लगाओ पैसा आएगा?
ये अब सुना, इसके पहले इसके पहले नहीं था। मेरे को बताओ ट्रेडिशनल बिजनेस, यहाँ बहुत सारे दोस्तों की शॉप होगी, क्या शॉप में बगैर लगाए मिलता है? 5 लाख लगाओ 5,000 आने के चांस हैं। क्या 100% है? बिजनेस के लिए आज बैंक के लोन देने को तैयार है, लेकिन 100% चांस नहीं है कि बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आ ही जाए। आप सुनते हो ना, दिल्ली के उद्योगपति दिल्ली छोड़कर भाग गए, दिल्ली के वो व्यापारी उन्होंने बच्चों को जहर दे दिया, आत्महत्या कर ली। क्यों? Why? क्योंकि इस बिजनेस में 100% चांस नहीं है पैसा आए। कारण, आज की तारीख में भारत में बिजनेस करना बहुत टफ है, क्योंकि कंपटीशन है। आप मेरे को बताओ, 20 लाख इन्वेस्टमेंट किया, कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीद के लाए, कितने में बेचोगे? एक सौ बीस। आपका पड़ोसी 90 में बेच रहा है। बताओ मेरे को, क्या करोगे आप? यहां ऐसा नहीं इसको सस्ता मिला है इसलिए नहीं बेच रहा, या इसलिए सस्ता बेच रहा है आपकी दुकान कब बंद हो, या इसलिए सस्ता बेच रहा है? बहुत कंपटीशन है भारत के अंदर। मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेसमैन था, मैं सर्विस में था, उसको ऐसा लगता है बिजनेसमैन बिजनेसमैन ही होता है, वो बात भी नहीं करता था ठीक से। एक दिन मेरे को मार्केट में मिला, मैंने उसके चेहरे को देख के अंदाज लगा लिया कुछ गड़बड़ है। मैंने उसको पूछा, और हितेश जी क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया गड़बड़ तो है। मैंने उसको बैठाया, चाय वाय पी हमने, मैंने कहा और हितेश जी कैसी चल रही जिंदगी? हाँ बस है। मैंने कहा आपको जिंदगी में चाहिए क्या? बोले क्यों नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर बताऊं मैं तरीका? बोले बिल्कुल बता। मैंने जब इस बिजनेस के बारे में उनको जानकारी दी, मैंने उनको कहा देखो, प्रोडक्ट यूज करने से बिजनेस वॉल्यूम का 20% वापस मिलता है, केवल प्रोडक्ट यूज करने से, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के। पता है मेरे को क्या बोलता है? मैं 20% वाले बिजनेस नहीं करता, मैं 100% वाले बिजनेस करता हूं, जिसमें 100% वापस मिलता हो। मैंने कहा 100% तो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं मिलता। बोले नहीं, जो मैं करता हूं उसमें मिलता है। मैंने कहा आपका बिजनेस किस चीज का है? बोले बर्तनों का। मैंने कहा बर्तनों में 100% कहां मिलता है? बोले घर के ही बेच रहा हूं। तो बहुत स्थिति खराब है अगर बिजनेस की बात की जाए। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस की बात करने आया हूं जिसको बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट 0 है, लगाना कुछ नहीं है, लगा कुछ नहीं, इनकम अनलिमिटेड है। आप कहोगे लगा नहीं तो पैसा कहां से आएगा? पैसा कंपनी ने लगा रखा है, 10-20 लाख, 10-20 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ रुपया। आपको केवल काम करना है। मेरे को बताओ, आप सर्विस में काम करते हो, पैसा मिलता है? बिजनेस में काम करते हो, पैसा मिलता है? इसमें भी करोगे तो मिलेगा, लॉटरी सिस्टम नहीं है कि फार्म भर दो करोड़पति बन जाओगे। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन सर्विस में जब तक करोगे जब तक मिलेगा, और वो भी लिमिटेड। बिजनेस में भी जब तक करोगे जब तक मिलेगा, वो भी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि 5 लाख लगा के 1 लाख पर मंथ आ जाए, नो, जितना लगाओगे उतना आएगा। लेकिन मैं आपको इस बिजनेस की गारंटी लेता हूं, और 10,000 के स्टंप पे ये बात लिख के दे सकता हूं कि अगर इस बिजनेस को 5 साल तक मेहनत के साथ कर लिया जाए तो जिंदगी में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 5 साल करना लगातार पड़ेगा, कंटिन्यू। मेरे को बताओ, जिंदगी मौका दे कि पूरी जिंदगी काम करना चाहिए या 5 साल अगर ऑप्शन हो तो? 5 साल। मैं तो कहता हूं 5 साल दिन रात भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, दिन रात भी। पर मेरे को आश्चर्य होता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मिलता हूं, मैं पूछता हूं आजकल आपके साथ वाले नजर नहीं आ रहे। बोले सर 1 साल बहुत मेहनत की, अभी रेस्ट में है। मेरे को आश्चर्य इस बात का होता है, सर्विस में कभी रेस्ट नहीं, बिजनेस में कभी रेस्ट नहीं, जहां से जिंदगी नहीं बदल सकती, जहां जिंदगी बदलने का चांस है वहां 1 महीने के बाद रेस्ट, 1 साल के बाद रेस्ट, नो, कंटिन्यू। भले धीरे करो या फास्ट, तेज या धीरे, कुछ भी हो, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, किसी को मोबाइल करते हो, कितने अंक बताते हो? 10। मान लो एग्जांपल 9425103208, 10 अंक दबाओ बात हो जाएगी। गलती से आखिरी अंक ध्यान में नहीं रहा, नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना जितने दबा दिए।
इतनी तो होनी चाहिए ना जितने दबा लिए, इतनी भी नहीं होती है ना, होती नहीं। मान लो 5 मिनट बाद याद आ गया, अरे 8 और बचा है, जाके 8 भी दबा दो, फिर हो जाएगी। क्यों 10 के 10 हो गए ना, क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने 10वां अंक दबाने में क्या करा, बीच में 5 मिनट का गैप दे दिया। अगर आपको वापस बात करनी हो क्या करना पड़ेगा, फिर वापस 1 के चक्कर में 9 और दबाओ। 1 गैप देने के चक्कर में क्या करना पड़ा, 9 फिर दबाने पड़े, फिर इतनी मेहनत। दोस्त ये इस बिजनेस का नियम है, अगर इसमें नंबर 1 बनना है तो गैप नहीं होनी चाहिए 5 साल तक का। 26 जुलाई 2002 से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, आज तक मैंने गैप नहीं दी, दी नहीं। मैं बताऊंगा, आएगा उतार चढ़ाव, लेकिन गैप नहीं। कर सकते हैं? लेकिन अब जिसके पास आप जाते हो, व्यक्ति एक ही बात बोलता है, भाई साहब बिजनेस तो कर सकता हूं मैं, पर मेरे पास समय नहीं है। आती है प्रॉब्लम? क्या नहीं है? समय नहीं है। चलो अच्छी बात है, समय नहीं है। उनको पूछो पैसा है, वो भी नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले बाकी सब कुछ है। जिंदगी में ध्यान रखना, अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो फिर जिंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है। और पैसा भी बहुत हो और उस पैसे को यूज करने का समय नहीं है तो वो फिर पैसा भी किसी काम का नहीं है। दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है। और इसका मैं कारण बताऊं, पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू नहीं है। टाइम की वैल्यू नहीं है भारत के अंदर। यहां सेमिनार 4 बजे था, हम कल रात को ही आ गए थे, इसलिए आप 5 बजे आए, 5:30 बजे आए, 6 बजे आए। किसी से पूछा लेट क्यों, सर इंडियन टाइम है। लेकिन ये लास्ट मौका था आपके लिए, आज के बाद सेमिनार जिस समय टाइम्स में समय होगा उस समय चालू हो जाएगी, बल्कि हॉल के अंदर 5 मिनट हो जाती है। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, जिंदगी में कुछ भी करें आप, सर्विस करें, बिजनेस करें, दुकान करें, दोस्त टाइम की कीमत को पहचानो आप। जितने भी आज इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं उनका पता है क्या कहना है, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। क्योंकि समय से पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से समय नहीं बनाया जा सकता। मैं आपको प्रूफ देता हूं, 4 महानगर है इस भारत में, सबसे ज्यादा पैसे वालों का कौन सा, बॉम्बे। आप सोचो दिल्ली क्षेत्रफल में बड़ी है, बॉम्बे ही पैसे वालों का क्यों है, क्योंकि बॉम्बे के अंदर आदमी को टाइम बताने का टाइम नहीं है, टाइम बताने का टाइम नहीं, इसलिए वो पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास समय की कीमत है। बॉम्बे में अगर आप किसी को टाइम पूछो ना, यहां पूछो तो भागते भागते इधर आके बोलता है 6 में 10 की देर है, और हमारे यहां पूछ लो तो वापस आके बताता है, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत है, तो भरपूर टाइम है, होता है ऐसा, इसलिए पैसा नहीं है। बॉम्बे में किसी से एड्रेस पूछो, 25 साल से पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, 25 साल से। आप जाके कहो भाई साहब वो वर्मा जी को जानते, वो कहता कौन वर्मा जी, बोले आपके पड़ोस में रहते, बोले नहीं मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ की बात करो, पूरी कॉलोनी का इतिहास पता है, पूरी कॉलोनी। हमें तो ये भी पता है ये कितनी बजे घर से निकलता है, कितनी बजे रात को आता है, किधर जाता है, सब हमें जानकारी है। इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय की कीमत नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति कभी कभी आता है ना सिटी में, हमारी कॉलोनी में आके अगर पूछ ले भाई साहब वो रमेश जी को जानते हो, तो पता व्यक्ति क्या कहता है, छोड़ने चलो क्या, क्योंकि इसके पास बहुत समय है। आज के बाद टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे को बताओ, जो बोलते हैं टाइम नहीं है, कितने घंटे दिए भगवान ने, 24। 25 वाले तो नहीं, कोई 24, यस सबको बराबर है। कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे। एवरेज सर्वे हुआ है भारत का, 10 घंटे आदमी काम करता है, 8 घंटे आराम करता है, 2 घंटे नहाना पूजा पाठ, 20 घंटे की हर आदमी की रूटीन लाइफ है। 4 किधर गए? समय था हमारे पास तो, ये किधर गई? आओ मेरे को, कहां जाते हैं ये घंटे? ये वेस्टेज है। और आपको पता है 4 घंटे की हमारे पास कीमत नहीं होती, जबकि कीमत 1 सेकंड की होनी चाहिए। आपको पता है 10 घंटे काम करते हैं गवर्नमेंट 10,000 देती है, 20 घंटे काम करो 20,000 देगी, 30 घंटे काम करो 30,000 देगी, 50 घंटे काम करो 50,000 देगी। 50,000 चाहिए महीने के? नहीं तो 50 घंटे काम करो कल से, नहीं है जाके रात को उसको प्रार्थना करो, बड़ा घंटे तो बड़ा नहीं है, वो भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना।
लेकिन आपको यह तो पता है घंटे बढ़ जाए तो इनकम बढ़ जाएगी। मैं आपको प्रूव करूंगा, दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जो आपके घंटे बढ़ा सकता है। और मैं आपको कहूंगा ये 20 घंटे की रूटीन लाइफ चलने दो जैसी चल रही है। कब तक? जब तक आरसीएम में आपकी इनकम 5 गुना ना हो जाए, जब तक चलने दो। उसके बाद सोचना जो भी सोचना है, शुरू में पार्ट टाइम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 4 घंटे हैं केवल ये आरसीएम को दे दो। और मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आरसीएम 4 घंटे के बदले 5 साल बाद आपको एक दिन का 4 लाख घंटे काम कर देंगे। 4 लाख करते हैं। इस टाइम में पता आप क्या करते हो? टीवी देखते हो, पेपर पढ़ते हो, दोस्तों से चौराहे पर गप्पे लड़ाते हो। मैं ये नहीं कह रहा टीवी देखना गलत बात है, 25,000 खर्च किए देखनी चाहिए। लेकिन एजुलाइक एक चीज मैं आज आपको महत्वपूर्ण बता के जा रहा हूं, जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त। अभी कितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं? हाथ खड़ा करेंगे सभी, थैंक यू। ऐसे कितने दोस्त हैं जो अभी टीवी में दिखाई देते हैं? पता है क्यों? आप टीवी में इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि आप टीवी देखते हो। जिंदगी में ध्यान रखना, टीवी में वो ही लोग दिखाई देते हैं जो कभी टीवी नहीं देखते। मेरे को 4.25 साल हो गए, मैं अभी टीवी नहीं देखता, और पिछले 2.5 साल से ये भारत मेरे को टीवी से दिखता है। आप भी दिख सकते हो अगर वो समय बचाया जा सकता है। पेपर पढ़ते हो आप? पेपर पढ़ना मैं गलत नहीं मानता, हेडलाइन पढ़ो, अच्छा डिटेल पढ़ो। भारत का आदमी पेपर को पढ़ता नहीं, चाटता है। चाटने का मतलब समझते हो? एक भी अक्षर बचना नहीं चाहिए शुरू से आखिर तक। 3-3 घंटे लोग पेपर पढ़ते हैं, 3-3 घंटे। और आपको पता है पेपर में क्या लिखा हुआ है? समस्या है, वहां का हैंडपंप खराब है, वहां की रोड खराब है, बस उसको कुचल गई, ट्रक उसको टक्कर मार गया, उसने उसको गोली मार। आदमी इतने ध्यान से पढ़ता जैसे सारी समस्या इसी को निपटानी हो। अमूल्य समय जिसको आप खत्म कर रहे हो, किल कर रहे हो। बचाया जा सकता है 4 घंटे। मैं आपको एक प्रूफ देता हूं, अगर आपने 4 घंटे आरसीएम को किया, कितना? 4 घंटे। तो एक चीज का ध्यान रखना, मेरे जैसे मुकाम तक आ सकते हो अगर आपने 4 चीजों को फॉलो किया। 4 चीज तो 5 साल तक छोड़ना मत, 4 तो छोड़ना नहीं और 5वीं पकड़ना नहीं, गारंटी मेरी है यहां पहुंचने की। क्या? पहला, उस गॉड को मत भूलना जिसने दुनिया बनाई है, और एक अपने वतन को मत भूलना जिसने आपको जन्म दिया है। आपको गर्व होता है भारत जैसे देश में जन्म लिया? होता है ना? क्यों? देश बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं। पता है क्यों गर्व होना चाहिए? भारत दुनिया का पहला एक ऐसा देश है जिसके आगे शब्द लगता है माता, भारत माता की जय। आप मेरे को बताओ भारत के अलावा इस दुनिया में कौन सा देश है जिसके आगे शब्द माता लगता हो? आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है? अमेरिका माता, चीन माता, नेपाल माता? नो, केवल भारत माता। कारण पता है भारत क्यों माता है? कहा जाता है जिस माँ के 4 लड़के होते हैं अगर एक पागल भी हो तो वो 4ों को समान रूप से देखती है। भारत इसलिए माता है, ये सबको निभाता है, हर आदमी को समान रूप से देखता है। तो अपने वतन को नहीं भूलना और उस गॉड को नहीं। सेकंड, अपनी फैमिली को मत भूलना जिसने आपको जन्म दिया, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में हो। थर्ड, प्रेजेंट में जो भी कर रहे हो करो, जॉब, बिजनेस, दुकान करो। फोर्थ आरसीएम, फिर 5वां कुछ नहीं, कुछ पोस्टपोन कर दो हर चीज 5 साल के लिए। पोस्टपोन कैंसिल नहीं, टीवी देखते हो 5 साल तक पोस्टपोन करो, 5 साल बाद दिन भर टीवी देखना। पेपर पढ़ते हो 5 साल तक पोस्टपोन कर दो, 5 साल बाद दिन भर पेपर पढ़ना। शादियों में जाने का बहुत शौक होता है आदमी को, पोस्टपोन करो, 5 साल बाद हर शादी अटेंड करना। मेरा रिकॉर्ड है, किसी से भी पूछ लेना, 4.25 साल हो गए मैंने अभी कोई शादी अटेंड नहीं की, ना दोस्त ना रिश्तेदार ना आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर, जबकि मेरे ग्रुप में 5.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेरे को बोलते हैं सर मेरा एक एमराल्ड स्टार नाराज है आज भी मेरे से। कर्नाटक के अंदर कोठारी साहब गए, उनका प्रोग्राम था, उधर चले गए। मेरे को उसने बहुत कोशिश की, मैंने कहा नहीं, मेरा टारगेट 5 साल बाद है, मैं जाऊंगा, पोस्टपोन करना है। मेरे घर 351 लिफाफे पड़े हुए शादियों के, मैं नहीं गया। पोस्टपोन कैंसिल नहीं, 5 साल बाद सबके यहां जाना है। हाँ, उस शादी में जरूर जाना जो आपके बगैर ना हो, वो किसकी है? उसको पोस्टपोन नहीं करना, बाकी को कर दो।
इतने नाराज हो जाते, कोई नाराज नहीं होता। मेरा एक दोस्त था, उसने 3 दिन पहले मेरे को कहा कि आना ही जरूरी है। मेरा एमपी में एक ही दोस्त है, कहा आना जरूरी है, तेरे को सारी व्यवस्था देखनी। मैंने उसको कहा आई एम सॉरी, मैं मेरे बिजनेस में बिजी हूं। उसने फोन कट कर दिया। शादी होने के 2 दिन बाद मैंने उसको रिंग की, मैंने देखा देखो तो सही नाराज तो नहीं है। मैंने रिंग की, मैंने कहा शादी हो गई। उसका जवाब था तेरे बगैर रुकती राइट है, कोई नहीं रुकता। मैंने कहा मैं नहीं आया। उसने कहा नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, तू आता तू भी भीड़ में शामिल हो जाता। मैं जाऊंगा और मैं दावे के साथ बोलता हूं 5 साल बाद बहुत बड़ी कार होगी, मेरे पास आज 4 है। बहुत बड़ा बंगला होगा, मेरे पास आज 3 है। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, आज मेरे पास है। और ड्राइवर को कहना सारे लिफाफे कार में रखो, सबके घर चलो। और जाके कहना दोस्त आई एम सॉरी, 5 साल पहले मैं नहीं आ पाया, इस बात का मेरे को दुख है, पर सोच मैं आता तो क्या कर सकता था, क्या देता तेरे को। अरे ज्यादा तेरे को 101 रुपए का लिफाफा दे के चला जाता, लेकिन आ आया हूं 11001 का लाया हूं। अब मेरे को बताओ किसको लगता है ये नाराज होगा, किसको लगता है ये नाराज होगा या ये खुश होगा? नाराज होगा या खुश? ये खुश होगा। और पता है आपको क्या कहेगा, और 5 साल बाद आता है यार, अभी क्या जल्दी भाई सजार मिलते क्यों आ गया तू। जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, अगर कुछ बनना चाहते हो तो कुछ तो खोना पड़ेगा। हमें भी अच्छा लगता था टीवी देखना, नहीं देखी। हमें अच्छा लगता था शादियों में जाना, नहीं गए। हमें अच्छा लगता था पेपर पढ़ना, नहीं पढ़ा। उसी की वजह है आज आपके सामने है। अगर ये सब आप कर सकते हैं तो आप भी इस मुकाम तक आ सकते हैं। कर सकते हैं। तो मैं 5 साल की बात करूं, क्या है ये 5 साल का बिजनेस? अभी आपने भारत में एक बिजनेस का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। इसको समझना जरूरी है। क्या है वो? एक आप और हम है कस्टमर, यही भारत के 80% लोग हैं। एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लो मोबाइल है, मार्कर है, ये माइक है, किसी कंपनी में बना, हमने खरीदा, क्या कंपनी से डायरेक्ट मिलता है? नो। इसके लिए ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक रिटेलर है जिनसे हम खरीदते हैं, ये बनाते नहीं उसको, ये किसी होलसेलर से खरीदते हैं, ये होलसेलर भी नहीं बनाते, ये किसी स्टॉकिस्ट से, ये स्टॉकिस्ट भी नहीं बनाते, ये एक CF एजेंट के थ्रू माल खरीदते हैं कंपनी से। ये हमारे भारत का एक परंपरागत व्यापार है। लेकिन कंपनी को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए एक पब्लिसिटी, एक विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है, जिससे आप और हमको ये पता लगे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। ये 20% लोग हैं, यही रेशो मैंने आपको शुरू में बताया था, यही आज चल रहा है इस बिजनेस की वजह से भारत में। 80 गरीब हो गए, 20 अमीर हो गए। मैं उसका कारण बताऊंगा क्यों हुए। आज विज्ञापन आप और हमसे कराया जाता है? नो। विज्ञापन कराया जाता है बहुत बड़े सुपर स्टारों से, जिनको ये भारत पहचानता हो। ये सुपर स्टार अमिताभ बच्चन, गोविंदा, माधुरी, ऐश्वर्या कोई भी हो सकते हैं। कंपनी इनको बोलती है कि आप मेरे प्रोडक्ट की तारीफ कर सकते हो, ये बोलते हैं हम कर तो सकते हैं लेकिन आपका प्रोडक्ट हमने यूज नहीं किया। कंपनी बोलती है वो आपके यूज करने लायक है भी नहीं। तो ये बोलते हैं फिर हम तारीफ कैसे करेंगे। कंपनी बोलती है 3 करोड़ मिलेगा, ये बोलते हैं फिर कुछ भी कहलवाओ। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। आज आप देखो सरासर सफेद झूठ बोला जाता है, बिल्कुल क्लियर। कुछ समय अभी तो गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया इस विज्ञापन पे, मैं आपको बताता हूं। कुछ समय पहले पता है क्या हुआ, एक आदमी पहाड़ियों से कूदता है, नीचे जाता है, एक मिरिंडा लेता है, वापस ऊपर आ जाता है। उसको देख के 15 लोग और कूद गए, वो भी ऊपर आए पर वो ज्यादा ऊपर निकल गए। अभी बैंड है इसके ऊपर, गवर्नमेंट ने अभी इसको बंद करवा दिया। सोचो आप क्या दिखाया जा रहा है। 7 करोड़ में अमिताभ बच्चन जी टीवी पे आके बोल रहे हैं 35 साल से मेरे बालों का राज है नवरतन थे। आप मेरे से बताओ, इनको अगर 35 साल से इस राज का पता, ये राज इन्होंने आज क्यों बताया, ये पहले क्यों नहीं बताया, ये पहले बताते कहां से? इसमें बहुत बड़ा सफेद झूठ है, क्योंकि मार्केट में नवरत्न तेल 13 साल पहले आया है। 13 साल के पहले नवरत्न तेल इस मार्केट में नहीं था। और पता है हम क्यों खरीद रहे हैं? हमें पता है इतना बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, नो डाउट। आज 12 करोड़ में ऐश्वर्या टीवी पे आके बोली है मेरी सुंदरता का राज लक्स इंटरनेशनल। हम इसलिए ना रहे, शायद नंबर लग जाए। कितने लोगों को विश्वास है लक्स के नाम से आदमी गोरा होगा।
आप मैच देखते हो, अगर लक्स के नहाने से कोई गोरा होता है, ये साबुन आज सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में बिकता, जहां पूरे के पूरे देश ब्लैक एंड व्हाइट है, उधर कलर नाम का कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस बात को हम नहीं समझे, इस बात को आज के 55 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री समझे। पता है उन्होंने क्या कहा कि आज एक जनता, एक आम आदमी 100 रुपए में अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, 50 रुपए की लागत में ट्रांसपोर्टिंग कंपनी का खर्च आता है, 9 रुपए कंपनी प्रॉफिट लेती है, इसने अरबों लगाए, ये 59 रुपए की चीज हमें 100 में मिलती है और बीच के 41 रुपए चले जाते हैं इनके पास, विज्ञापन करने वाला करोड़ों रुपए ले जा रहा है। तो मेरे को बताओ, जब ये खून पसीने की हमारा पैसा इनके पास जाएगा तो ये अमीर से अमीर होते चले गए, हम गरीब से गरीब होते चले गए। लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, ये रास्ता 55 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, बिगाड़ने का पूरा अधिकार है, ये पब्लिसिटी वाला झूठ बोलने का करोड़ों रुपया ले रहा है, कोई भी विज्ञापन सच नहीं बताया जाता, तो क्यों ना इन लोगों को बीच में से हटा दिया जाए। जब बात आई कि बीच में से हटा दिया जाए, तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इनको बीच में से हटाओगे तो इस जनता को माल कौन देगा, तो कंपनी ने कहा माल तो मैं डायरेक्ट दे सकती हूं, ओरिजिनल मिलेगा, प्रश्न उठा इस 41 रुपए का क्या हो, तो अर्थशास्त्रियों ने कहा यह पैसा इसी जनता को वापस दे दो, क्योंकि ये इसी के खून पसीने की कमाई का पैसा है, और इसी बिजनेस का नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। आज आप किसी को आरसीएम की बात करते हो, वो एक ही शब्द बोलता है, क्या गारंटी है आरसीएम से अमीर बन जाएंगे, क्या गारंटी है। अरे आप इस बिजनेस की थीम को समझो, जो पैसा पहले इनको मिलता था उस पैसे से इनके पास एक एक करोड़ की कार, 5-5 करोड़ के बंगले, बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, 5-स्टार होटलों में रुकते थे, जब यही पैसा आप और हमको मिलेगा, क्या वो सारी ताकतें आप और हमको नहीं मिल सकती? Yes. मिल सकती हैं, बस फर्क क्या है, जो काम ये करते थे वो अब हमें करना होगा। पहले दिन भर टीवी से ऐश्वर्या चिल्लाती थी, मेरी सुंदरता का राज लक्स इंटरनेशनल कंपनी 12 करोड़ उसको दे देती थी, दिन भर आरसीएम की आप बात करो 12 करोड़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन बताना तो पड़ेगा। लेकिन पता है हम क्यों नहीं बताते, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो होता है। किस बात का? एजुकेशन का। आप देखना जिसकी एजुकेशन ज्यादा है वो ज्यादा अमीर नहीं बना, इस दुनिया का इतिहास उठा लो आप। मैं इस बिजनेस में पता है क्यों सक्सेस हुआ, 10वीं फेल था, इसलिए, क्योंकि मेरे को कभी ईगो आया ही नहीं, था ही नहीं, क्योंकि मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी। या देखना जिसकी एजुकेशन ज्यादा होती है उसको बहुत बड़ा ईगो होता है, मेरी इतनी एजुकेशन और ये कह रहे 8.5 रुपए के बाद सोप की बात करो। मैं एक रिक्वेस्ट आज आपसे करूंगा, जिंदगी में ध्यान रखना, अगर ईगो हो तो निकाल देना, आता हुआ तो कभी आने मत देना। दोस्त जिसके पास लंका सोने की थी उसका भी ईगो ने काम नहीं किया, रावण का चली गई वो लंका सिर्फ ईगो के चक्कर में। आपने कहावत सुनी है, आदमी की मूंछ आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है। लोग बोलते हैं ना मूंछ का सवाल है, वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ देता हूं, जिस जिसने साफ की है वो आज नंबर 1 है। मैं गिना सकता हूं आपको, अटल जी ने साफ की प्रधानमंत्री बनकर, अब्दुल कलाम जी ने साफ की राष्ट्रपति बनकर, सोनिया जी ने शुरू से रखी नहीं, आज नंबर 1। मैं इस मूंछ की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप भी साफ कराओ, आपके लिए घूम रहा हूं, ये नहीं, ये ईगो जो रोकता है आदमी को, ये नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है इतना छोटा सा काम है हम बड़े व्यक्ति हैं, मानता हूं मैं आप अपने आप को बड़े मानते हो। मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो, टाटा का नाम सुना है आपने? Yes. बाटा? Yes. अंबानी? Yes. ये बड़े हैं या हमसे छोटे? हम इनसे छोटे हैं ना? Yes. 75% छोटे हैं हम इनसे? Yes. 50? Yes. 25? इनके पासन भी नहीं लगते हैं, राइट है ना? Yes. ये हमसे लाखों गुना बड़े हैं। पर आप एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सोचते हो ये लाखों गुना बड़े हैं, हम इनसे लाखों गुना छोटे हैं, फिर भी आपको ये काम छोटा लगता है, तो आज के बाद ध्यान रखना दोस्त, टाटा जैसा आदमी नमक बेच रहा है, बाटा जैसा आदमी चप्पल बेच रहा है, अंबानी जैसा आदमी आम बेच रहा है, तो आप इसका कंप्यूटर नहीं बेच सकते। अंबानी जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, पिछले साल बॉम्बे में 25 रुपए किलो में आम बेचे हैं उसे। तो जब वो बड़े व्यक्ति छोटा काम कर सकते हैं, तो फिर हम छोटे होकर बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते?
करना तो बताना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो यार कसूर है, बताना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। तो बता सकते हैं किसको, किसको बताना है? रिश्तेदार, दोस्त? नहीं, मैं आपको बताता हूं किसको बताना है। आपको भारत में जो भी आदमी टाइप नजर आए और दो टांगों पे घूमता हुआ दिखाई दे, बस लगना चाहिए आदमी जैसा है, बताओ संकोच नहीं, शर्म नहीं, आए नहीं आए नो टेंशन, बता। मैं प्लेन में सफर करता हूं, ट्रेन में, बस में, ऑटो, कार, मेरे को बस लगना चाहिए आदमी टाइप है, मैं शुरू हो जाता हूं। आएंगे सब नहीं, बताना सबको है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज 50 को बुलाया था, 10 आए, 40 गायब है, हाथ खड़ा करेंगे? अरे बहुत सारे दोस्त हैं, 10 आए, 40 नहीं आए। आपको बुरा लगा होगा, दुख हुआ होगा, लेकिन दुखी नहीं होना। पता है ये क्यों नहीं आए? वो नहीं चाहता। और दोस्त, उसकी बगैर मर्जी के इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। और ये आपको बुरा लगा, लेकिन आपको उसकी प्लानिंग का नहीं पता। वो इंसान के साथ हमेशा अच्छा करता है, आपको लगता है बुरा। मैं बताता हूं क्यों नहीं आए। चाहता तो ये 40 भी आते हैं, लेकिन 10 ही आए, क्योंकि उसने 10 को चाहा, 40 को नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा? वो इसलिए नहीं चाहता, वो कहता अगर सब आ जाएंगे, सब अमीर बन जाएंगे, सब कारें ले लेंगे, आपकी कहां खड़ी करोगे। वो 40 को इसलिए नहीं बुलाता, वो कहता है इनके घर के आगे खड़ी करता। और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ। मेरे पड़ोसी एक भी 4 साल तक ज्वाइन नहीं था, 4 साल पूरे भारत में 5.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से ज्वाइन हुए, पर पड़ोसी नहीं हुए। 3 महीने हो गए, पूरी कॉलोनी ज्वाइन हो गई। पता है क्यों? पता है कारण? ऊपर वाले ने कहा, दिनेश चौधरी मैं तेरे को 4 कारें दूंगा, तेरे पास घर एक है, 3 किधर खड़ी करेगा? इनके घर के आगे खड़ी कर। और मैंने की, ये भी बहुत खुश होते थे, क्योंकि कोई निकलता था वो सोचता था इनकी है। लेकिन चाबी अपने पास थी, चाबी अपने पास थी। पता है फिर क्या हुआ? मैंने सेकंड बंगला लिया, मेरी एक कार सामने शिफ्ट होगी। अभी मैंने 1 साल पहले बहुत बड़ा बंगला लिया, मेरी 4 कारें एक ही बंगले में शिफ्ट होगी। तो ऊपर वाले ने कहा, जगह खाली होगी ना, आवा ना, ऐसा ही होगा, आपको कभी चिंता नहीं करनी। और मैं आज आपको बता दूं, ये ऐसा हो रहा है, वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लगता है ना कभी कभी, आज आपका दुख हुआ होगा ना, कभी कभी गलत लगता है। मैं एक बार की बात बताऊं, दो दोस्त जा रहे थे, एक ने दूसरे को कहा, भगवान को ज्यादा अकल नहीं है? एक ने कहा, नहीं नहीं उसने दुनिया बनाई है। बोले, अकल तो है पर ज्यादा नहीं है। एक ने कहा, क्यों? बोले, देख भगवान ने फल बनाया, एक बेर बनाया, बेर यू नो छोटा, एक तरबूज बनाया इतना बड़ा। बोले, भगवान से गलती ये हो गई, इसने बेर को मजबूत पेड़ पे वहां लगा दिया और तरबूज को कमजोर पेड़ पे नीचे लगा दिया। इसको तरबूज उधर लगाना था और बेर को वहां लगाना था। तो एक ने कहा, देख वो उसकी प्लानिंग है, जो करता है अच्छा करता है। बोले, नहीं नहीं गलती हो गई। थोड़े से आगे चले, ऊपर से एक बेर गिरा, दूसरे के सर पे लगा। पहले ने कहा, अब सोच अगर आज इसकी जगह तरबूज होता तो आज तेरा क्या होता। तो इसलिए टेंशन नहीं लेंगे, वो जो करता है आदत वाली भी है क्या? कोई आदत नहीं है दोस्त, ये मजबूरी है, पहनना ही पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, आरसीएम नहीं कपड़ा पहनना है और करो तो मेरे को बताओ क्या अंतर लगता है इसमें, क्यों नहीं? फिर मैं बताऊं इसका कारण, अंतर आपको बताता हूं। दुकान से कपड़ा लेते हो गारंटी? नो। आरसीएम से फुल गारंटी, क्योंकि बीच में बदलने वाला नहीं। दुकान से लेते हो कभी रेट?
फोटो देख के तिलक निकलती है, साइकिल से जाओ रेट अलग है, कार से जाओ अलग है, यहां से रेट एक, बच्चा लेडीज जेंट्स कोई भी ले एक ही रेट में मिलता है और पूरे भारत में। उसके बाद भी हम फिर भी इस बिजनेस को कर नहीं पाते, पता क्या? हम सोचते हैं चलो पैसा दिया कपड़ा मिल गया, पर चेक नहीं आया तो नहीं आया। ये सबसे खतरनाक शब्द है, भारत को बर्बाद कर दिया इस दोने, क्योंकि इसका एंड नहीं है, हर चीज का एंड है। आपके दिमाग में एक ही बात घूमती है, नहीं आया तो। इसके पहले दुकानदार कितने भिजवाते थे आपको? नो? अरे जब आज तक यहां से नहीं आया और यहां से नहीं भी आएगा तो क्या चला जाएगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपको करता हूं, आप बिजनेस करें या कुछ भी करें, जिंदगी में कभी दो में मत उलझना, क्योंकि जो जिंदगी में दो में उलझा है वो कभी निकला नहीं तो के अंदर से। ये बहुत खतरनाक सब है। और आज ज्यादातर किस में उलझते हैं? तो आपको पता है क्या कहा जाता है, बिजनेस तो अच्छा है, कर तो लूंगा, पर नहीं चला तो। आप कहते नहीं चलेगा, मेरा चला है। वो कहता है चलेगा, ये बताओ चेक नहीं आया तो। आप कहते नहीं नहीं आएगा आएगा, मेरा आया है। वो कहता है चेक आएगा, ये बताओ बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो। आप कहते नहीं नहीं होगा होगा, मेरी पासबुक देख ले, हुआ है मेरा। वो कहता है चेक क्लियर होगा, ये बताओ 5 साल बाद कंपनी भाग गई तो। भाग गई, बस यहां आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। भाग गई तो, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, भाग गई तो। कितने दोस्त अनमैरिड है जिनके अभी शादी नहीं, हाथ खड़ा करेंगे? आप लोग शादी मत करना। नहीं आगे मेरे को नहीं पता। आगे मैं क्या, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर तो में उलझ गए तो होने वाली नहीं है। मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि भारत की सोच आज इतनी निगेटिव क्यों हो गई कि हर चीज पे पहला इसका प्रश्न होता है नहीं हुआ तो। किसी से कहो दुकान खोल लो, नहीं चली तो। ये जिंदगी में नहीं क्यों है पहले? अरे मान लो आप सब दूर बोलते हो नहीं, तो एक बार एक चीज ध्यान से सोचो, आपको लगता है नहीं चला तो, चेक नहीं आया तो, भाग गई तो। अरे एक बार ठंडे दिमाग और शांति में बैठ के ये भी तो सोच लो, अगर गई चल गई तो। मेरे को बताओ अगर 4.25 साल पहले मैं भी सोच लेता नहीं चली, 2075 जिंदाबाद। मैं आपके पास नहीं, मैं आज इस सरकार की 2075 रुपए की नौकरी करता हुआ होता अगर मैं सोच लेता नहीं चली। लेकिन मैंने सोच लिया दिनेश चौधरी चल गई तो पता है क्या है, आज इसी गवर्नमेंट को मेरी सैलरी से 15 गुना इनकम टैक्स हर महीने देता हूं। चल गई तो। आज के बाद अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सोच कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयां चाहिए, कोई भी काम करो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच का अंतर है। काम छोटा करो, सोच पॉजिटिव है, नंबर 1 बनोगे। अगर काम बड़ा हो, आपकी सोच निगेटिव है, कभी नंबर 1 नहीं बन सकती। मैं आपको बताऊं आज भारत की सोच इतनी निगेटिव हो गई कि आदमी जिंदे जी नहीं, यहां तो मरने के बाद भी निगेटिव है। मरने के बाद आपको पता है हमारे यहां एक परंपरा है, जब आदमी शांत हो जाता है उसकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जित किया जाता है। यस, एक बार की बात है, एक लड़के के फादर शांत हो गए तो उसकी मदर ने कहा बेटा इनकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जित कराओ। लड़का दिल्ली पहुंचा, ट्रेन लेट थी तो उसने भोजन करना शुरू किया, तो उसने होटल के मालिक से पूछा सेठ जी ये पानी कहां से आ रहा है, कहां जाएगा? तो होटल का मालिक बोलता है बेटे पानी नहीं, ये नदी है, ये पहाड़ों से आ रही है, हरिद्वार जाएगी। उसने सोचा काम यही हो जाएगा, क्योंकि अस्थियां तो हरिद्वार पहुंचानी थी, उसने वहीं विसर्जित कर दी। और घर आके अपनी मां को बोलता है मां अस्थियां हरिद्वार पहुंच जाएंगी। उसकी मां बेटा कैसी बात कर रहा है, पहुंच जाएंगी, तू कहां था? बोले मैं दिल्ली से वापस आ गया मां, वो नदी मेरे को दिल्ली में मिल गई, वो हरिद्वार ही जाती है, पहाड़ों से आती है, काम हो जाएगा। एक दिन गया, 2 दिन गए, 5 दिन, 10 दिन, 11वें दिन रात को 12 बजे किसी भारी शक्ति ने अचानक उसकी मां को उठाया। फड़फड़ाहट में मां उठी, उसने जाके लड़के को उठाया, बेटा उठ। लड़का बोला मां रात की 12 बजे ये सो जाओ। बोला नहीं नहीं बेटा पहले मेरी बात सुन। लड़का उठा, बोला क्या हुआ?
बोले बेटा तेरे पिताजी मेरी छाती पर आकर बैठ गए। लड़का बोला क्यों? बोले वो ये कह रहे हैं कि तेरा लड़का मेरे को हरिद्वार छोड़कर नहीं आया, वो मेरे को दिल्ली में छोड़ आया और मैं भी हरिद्वार नहीं पहुंचा, मैं 8 किलोमीटर पहले एक नाले में अटका पड़ा हूं। तो पता है वो लड़का अपनी माँ को क्या बोलता है? माँ तुम नहीं समझोगी, ये पिताजी जिंदगी भर निगेटिव रहे, इन्होंने हमेशा निगेटिव ही बात करी है। अरे 80 किलोमीटर वापस तुम्हारे पास आए, 8 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। तो मामला सोच, जैसी आपकी सोच होगी ये बिजनेस आपको वैसा ही काम करेगा, है ना? सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यस, ऐसे आपका सफर स्टार्ट होता है 3 ड्रेस के साथ। पहले दिन से कंपनी आपको अपने अंदर 41% का मालिक बना देती है। यू आप कंपनी के 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, इनको यूज करना है, क्योंकि यूज करने से बिजनेस वॉल्यूम का 20% आपको वापस मिलता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, नो एक्सक्यूज। बहुत सारे लोग इसकी तुलना करते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से, मेरे को पता है। जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, इसकी तुलना मार्केट के प्रोडक्ट से कभी मत करना, क्योंकि ऐश्वर्या कितनी भी सुंदर हो हमारी माँ के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं। मेरे को ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जिसने हमें जन्म दिया है क्या उसकी तुलना ऐश्वर्या और माधुरी के साथ हो सकती है? नो। अरे जो बिजनेस आपको लाखों रुपए पर मंथ देता है फिर उसकी तुलना मार्केट के प्रोडक्ट के साथ नहीं, कभी भी नहीं करता। लेकिन पता है आप क्यों करते हो? गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा लक्स यूज किया है तो वो आपकी स्किन को एक्सेप्ट करता है, आपने हमेशा कोलगेट यूज किया है वो आपके माउथ को एक्सेप्ट करता है। और आदमी की दो चीज एकदम नहीं बदलती, इनमें समय लगता है, एक तो नेचर एक सिग्नेचर, एकदम नहीं बदलते, इनमें समय लगता है लेकिन बदलने पड़ेंगे। आप मेरे को बताओ, नौकरी करने की आदत नहीं थी बनाई, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी बनाई, सुबह जल्दी नहाने की आदत नहीं थी बनाई, किस लिए? 10,000 कमाने हैं। अरे जब 10,000 के लिए ये इतनी आदतें बदल सकते हो तो लाखों रुपए कमाने के लिए प्रोडक्ट यूज करने की आदत भी बदलनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। मेरी पत्नी कभी भी पेंटिन शैम्पू के अलावा कोई कभी कोई शैम्पू यूज ही नहीं किया कभी भी, तो उनके बालों को क्या एक्सेप्ट हो गया? हमेशा पेंटिन। मैं बीच में हिमालय एक दो लेके आया, मेरी पत्नी ने कहा ये अच्छे नहीं लगते। जब RCM का शैम्पू आया तो मैंने मेरी पत्नी को कहा आज के बाद पेंटिन नहीं आएगा। मेरी पत्नी बोली नहीं नहीं मेरे को तो पेंटिन ही चाहिए। मैंने कहा नहीं, पैसा इससे मिलता है। बोले सर बालों को प्रॉब्लम आई। मैंने कहा नहीं, पैसा मिलता है इससे, यही आएगा। मैं लाया, कुछ दिन बाद पता मेरी पत्नी क्या बोलती है, इससे बाल सॉफ्ट नहीं हो रहे। मैंने कहा कड़क हो रहे, एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ज्यादा बिकेगा, मार्केट में मिलता ही नहीं कोई इस चीज का। पर वो आदत नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी बोलती नहीं नहीं बाल सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। अब बोले बाल झड़ने लगे, बाल गिरते हैं। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा एंड क्या हो सकता है? पत्नी मेरी तरफ ध्यान से देखकर बोलती कैसी बात कर रहा हो, साफ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, जब तक ये बाल साफ होंगे ये बिजनेस तुम्हें इतने लाख रुपए दे चुका होगा, बॉम्बे जाना, जैसे उगाने उठा जाना। लेकिन 100% होना चाहिए प्रोडक्ट में, नो एक्सक्यूज, कुछ नहीं। अगर बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए 100% प्रोडक्ट भी, पैसा प्रोडक्ट से आएगा। कर सकते हैं? यस। प्रोडक्ट अच्छा लगे तो बताना है किसको? कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा पूरा 10 में आएंगे, कहां टेंशन लेनी है। लेकिन कराना समझा के। और एक चीज मैं कह दूं, आज बहुत सारे दोस्तों को विश्वास नहीं होता कि हम भी कामयाब होंगे या नहीं। मैं एक चीज आपको बताऊं, इस बिजनेस में आज आप आए किसकी मर्जी से? गॉड। इस बिजनेस में आप आए किसकी मर्जी से? गॉड। मेरे को एक बात बताओ, कभी कोई पिता चाहता है मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए? नो। अरे जब एक पिता कभी नहीं चाहता मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए, दोस्त वो तो परम पिता है, वो क्यों चाहेगा।